डिग्री ऑफ क्लोजनेस इंडिकेट्स द स्ट्रेंथ ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. More is the closeness, stronger is the magnetic field. Third is, they emerge from North Pole and merge in South Pole of a bar magnet. Fourth, no two magnetic field lines can never intersect each other. इट मीन्स दो मैग्नेटिक फील्ड लाइन कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेगी. उसका मीनिंग क्या है बेटा? मीन्स अगर हमारे पास कोई भी मैग्नेट है और उसके अराउंड बाहर मैग्नेट है, सपोज ये एक मैग्नेटिक फील्ड लाइन है, तो ये इसके साथ कभी भी इस तरीके से इंटरसेक्ट नहीं करेगी. दे आर नॉट इंटरसेक्टिंग. दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये वन मार्कर्स में एक्सप्लेन करने भी आ सकते कि वाई टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर. द रीज़न इज़ दैट सपोज मैं इस पोर्शन को ही मानती हूँ, ये पोर्शन को मैं हाईलाइट करती हूँ कि ये पोर्शन है, ठीक है. सपोज दैट टू मैग्नेटिक फील्ड लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर. सो सपोज दे आर इंटरसेक्टिंग ईच अदर, देन बेटा हमें पता है दैट मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इमेजिनरी लाइन है अलॉन्ग विच द कंपस मूव्स. हमने ड्रॉ किया था मैग्नेटिक फील्ड लाइन बाय मूविंग द मैग्नेटिक कंपस. सो इट मीन्स दैट अगर मैं इस वाले पार्ट को लेती हूँ, इस वाले कर्व को लेती हूँ, इफ़ आई टुक दिस पार्ट देन द डायरेक्शन विल बी लाइक दिस. दैट मीन द कंपस इज मूविंग इन दिस डायरेक्शन. एंड इफ आई टुक दिस पार्ट, दिस कर्व, अगर मैं ये कर्व ले रही हूँ, सो टेंजेंट बनाऊंगी, सो द कंपस विल मूव इन दिस डायरेक्शन. इट मीन्स either the compass is moving in this direction or the compass will move in this direction. या तो ये direction होगा या ये direction होगा. तो बेटा एक ही point पर क्या compass की दो direction possible है? Is it possible for a compass to move in two direction? No. So we can say that if two magnetic field lines intersect each other, then the compass should point in two directions, which is not possible. Hence, two magnetic field lines will never intersect each other. इज इट क्लियर एवरी वन? एनी डाउट? थोड़ा सा डिफिकल्ट चैप्टर है बेटा, तो थोड़ा सा रीड खुद भी करो घर पर.
हाँ जी, नेक्स्ट इज मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। स्ट्रेट है कि करंट कैरिंग है, पहले तो एक मिनट चेक करूँ, तो फिर स्ट्रेट हम दोनों अलग अलग, ये स्ट्रेट है और दिस इज करंट कैरिंग। तो स्ट्रेट हम बाद में करेंगे, पहले करंट कैरिंग कंडक्टर करेंगे। सो करंट कैरिंग कंडक्टर। सो ध्यान से बेटा, अगर आपको एक्टिविटी समझ में आती है तो थ्योरी तो आप खुद ही लिख सकते हो। मेक अ सर्किट कनेक्टेड विद बैटरी अ की एंड अ प्लेस अ कंपास हेयर एड्रेस्ड। करंट स्विच ऑन नहीं है अभी, ये नॉर्थ और ये साउथ। ठीक है, तो इट मीन्स ये नॉर्थ है, ये साउथ है, तो इस तरफ क्या होगा ईस्ट और इस तरफ क्या होगा वेस्ट। ठीक है, यहाँ तक किसी को कोई प्रॉब्लम है? यहाँ तक किसी को कोई ठीक है। मेक अनदर सर्किट ऑल्सो, साथ के साथ बना लो या बाद में बना लो, इट्स योर चॉइस। नाउ वी आर चेंजिंग द टर्मिनल्स, मीन्स वी आर रिवर्सिंग द डायरेक्शन ऑफ करंट। अगेन नॉर्थ इधर ही रहेगा, ये इसके ऊपर नहीं रखा, ये सर्किट जहाँ पर भी है उसके पैरेलल रखो, उसके थोड़ा सर्किट थोड़ा उठा के बनाओ, उसके नीचे रख दो या उसके साइड में रख दो कंपास। ठीक है, वायर के ऊपर मत रखना। नाउ हेयर द करंट इज मूविंग अपवर्ड्स, हम इस वायर को मानते हैं पी क्यू, इस एरिया को हम देखेंगे पी क्यू। ठीक है, सो वी कैन से दैट इन ए पार्ट करंट का डायरेक्शन क्या, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ करंट फ्लोइंग। हाँ जी, करंट इज फ्लोइंग इन इन विच डायरेक्शन। हाँ जी बोलो, हम सिर्फ पी क्यू पार्ट को लेंगे, वी विल ओनली कंसिडर पी क्यू पार्ट, कि हाउ द पी क्यू पार्ट इज बिहेविंग। हाँ जी, तो बताइए ए पार्ट में करंट किस, नॉर्थ से साउथ, और वी कैन से दैट करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स एंड इन बी पार्ट द करंट इज फ्लोइंग इन अपवर्ड डायरेक्शन। ये अपवर्ड और ये डाउनवर्ड। नाउ वी विल ऑब्जर्व दैट वेन द करंट इज स्विच्ड ऑन देन इन ए पार्ट की ऑब्जर्वेशन बताएंगे। द निडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स ईस्ट एंड इन बी पार्ट द निडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स, यहाँ ईस्ट है यहाँ वेस्ट है, तो निडल इज डिफ्लेक्टेड टूवर्ड्स वेस्ट। इट मीन्स दैट हेयर वेन द करंट इज ऑन दिस पी क्यू कंडक्टर एक्ट एज मैग्नेट एंड हेंस द मैग्नेटिक निडल डिफ्लेक्ट्स टूवर्ड्स वन साइड से टू द ईस्ट। अगेन वेन वी रिवर्स द डायरेक्शन ऑफ करंट देन द निडल डिफ्लेक्ट्स इन अपोजिट डायरेक्शन, पहले अगर ईस्ट था तो इस बार वेस्ट में डिफ्लेक्ट हुआ। इंडिकेटिंग दैट इफ द करंट डायरेक्शन इज रिवर्स्ड देन, बिकॉज इस चैप्टर में हम यही पढ़ रहे हैं कि करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक इफेक्ट, तो अगर करंट का डायरेक्शन रिवर्स हो गया तो जो मैग्नेटिक पोल बनते हैं कंडक्टर के वो भी उल्टे हो गए,
अगर मान लो इस बार ये नॉर्थ पोल था, तो नेक्स्ट टाइम इफ इट वॉज एक्टिंग एज नॉर्थ पोल, देन दिस टाइम इट विल बी एक्टिंग एज साउथ पोल। सो वन टाइम अगर ये अट्रैक्ट कर रहा है, तो करंट का डायरेक्शन रिवर्स होने पर ये उसको रिपेल करेगा। सो वी कैन से दैट इफ द डायरेक्शन ऑफ करंट इज रिवर्स्ड, रिवर्स्ड द पोलैरिटी, पोलैरिटी मतलब पोल्स, पोलैरिटी ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऑल्सो चेंजेस। जो पोलैरिटी होती है मैग्नेटिक फील्ड की, वो भी चेंज हो जाती है। ये कैसे पता चला हमें? ये बच्चे जल्दी बोलो। यस मैम, श्योर? एक कंडक्टर लिया, यस मैम, आयरन फिलिंग हमने स्प्रिंकल किया, आयरन फिलिंग्स को हमने देखा कैसे वो अरेंज कर रहे हैं अकॉर्डिंग, बिकॉज हमें पता है हर करंट कैरिंग कंडक्टर किसकी तरह बिहेव करेगा, एक मैग्नेट की तरह। वी ऑब्जर्व दैट द आयरन फिलिंग अरेंज देमसेल्फ इन द शेप ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल, सो द कंक्लूजन इज दैट स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है वो इन द फॉर्म ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल होता है, ठीक है। बट वट इज द डायरेक्शन, क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज? सो द फाइंड द डायरेक्शन वेदर क्लॉक और एंटी क्लॉक वाइज, वी विल प्लेस द कंपस एंड नोट द डिफ्लेक्शन। इफ द करंट इज फ्लोइंग डाउनवर्ड्स, वी विल से दैट कंपस नेडल मूव्स डाउनवर्ड्स, एंड इफ द करंट इज फ्लोइंग अपवर्ड, वी विल से दैट द कंपस नेडल मूव्स एंटी क्लॉक वाइज। ओके, ठीक है।